हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज है और हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आज हम लोग वास्तव में डिस्कशन करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पैटर्न इन नीट 2024। 2024 के बायोलॉजी में किस पैटर्न के सवाल आए थे, कितने पैटर्न के सवाल हैं, किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के पैटर्न कैसे हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के दौरान आपको ये पता होना चाहिए कि किस पैटर्न के सवाल आने वाले हैं या किस पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। अगर हमको पहले से पता होगा तो हम उसी माइंड सेट में प्रिपरेशन करेंगे। हम अगर पैटर्न कोई दूसरा फॉलो करेंगे, एग्जाम में कोई दूसरा पैटर्न आएगा, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस हमको तभी मिलेगी जब पहले से ही हमको पता हो कि इस पैटर्न के सवाल आएंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में एग्जाम में किस पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी के पेपर की हम लोग एनालिसिस करेंगे, और बायोलॉजी के पेपर के एनालिसिस में जो पहला पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो पहला पैटर्न है, वो सिंगल लाइन क्वेश्चन है। सिंगल लाइन क्वेश्चन वो होता है जिसमें एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है और छोटे छोटे ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ लिखा डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटे छोटे ऑप्शन दिए हैं। आपको पहले से पता है कि इसका आंसर होगा सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। ये उस पैटर्न के सवाल होते हैं जिनका क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। तो ये सबसे आसान पैटर्न होता है सिंगल लाइन क्वेश्चन, और इस टाइप के लगभग लगभग 15 to 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन आपको आउट ऑफ 100 देखने को मिलते हैं। ये आसान पैटर्न होता है और पहले ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते थे, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है। तो अब देखो आ क्या रहा है, अब नया पैटर्न ये शुरू हुआ है। पैटर्न टू ये है लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा और उसके ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिए होंगे। जैसे इसका देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टामेमोरी नेफ्रॉन। पहला ही देखिए ऑप्शन दो लाइन में लिखा हुआ है, रीनल कार्प्सस ऑफ जक्स्टामेमोरी नेफ्रॉन लाइज इन द आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला। वैसे ये गलत है, लूप ऑफ हेनले ऑफ जक्स्टामेमोरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें छोटे छोटे ऑप्शन नहीं, ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ये भी लगभग लगभग 10 to 15 के आसपास इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये उस सिंगल लाइन से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तीसरा वर्जन ये है जो खूब आ रहा है इधर एग्जाम में, पैटर्न थ्री। और पैटर्न थ्री क्या है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू टाइप क्वेश्चन। ये क्या हो रहा है, दो स्टेटमेंट देते हैं, एक स्टेटमेंट वन दिया है, एक स्टेटमेंट टू दिया है, और आपसे ऑप्शन ऐसे पूछता है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं या बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, या फर्स्ट करेक्ट है सेकंड इनकरेक्ट है, या फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड करेक्ट है। इस टाइप के भी लगभग लगभग 15 to 20 क्वेश्चन हमको मिलते हैं, लगभग लगभग ये रेंज रहती है। जैसे यहाँ दिया है माइटोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ये स्टेटमेंट सही है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकांड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल, ये उल्टा लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा होना चाहिए था इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू द माइटोकांड्रिया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा थर्ड। ठीक है, ये पैटर्न अभी खूब आजकल यूज हो रहा है, पिछले 3 साल है, मतलब नीट 21, 22, 23 और 24 में इस पैटर्न के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दिया होता है। ठीक, पैटर्न फोर देखिए, ये पिछले 3 साल से खूब पैटर्न आ रहा है, मतलब 22, 23 और 24 में इस पैटर्न को क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और इस पैटर्न का पर्पज ये होता है कि आपका टाइम कंज्यूम कराना, क्योंकि क्वेश्चन करने में टाइम काफी लगता है। देखो क्या है, यहाँ क्या होता है, इसको कहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन।
इसमें कोई क्वेश्चन दिया होगा, उसमें ए बी सी डी ई फाइव स्टेटमेंट दिए होंगे, या तो अगर छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखे हैं, हो सकता है ये बड़े बड़े स्टेटमेंट लिखे हों। तो स्टेटमेंट देने के बाद फिर ऑप्शन देता है कि ए बी एंड डी ओनली, या बी डी एंड ई ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए एंड सी ओनली। तो ये जान लीजिए लगभग लगभग 10 to 15 क्वेश्चन इस पैटर्न के आने लगे हैं। तो ये सबसे बढ़िया पैटर्न है, और इसमें आप क्वेश्चन तभी सही कर पाएंगे जब आपको पांचों स्टेटमेंट आते होंगे, अंदाजे से इसमें काम नहीं चल पाएगा। जैसे लिखा है फायरिंग, क्वेश्चन पूछा है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कार्डेट, नॉन कार्डेट के बारे में पूछा है। फायरिंग इज परफोरेटेड बाई गिल स्लिट, नहीं है तो कार्डेट की। नोटोकार्ड एबसेंट है, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल, नहीं यहाँ वेंट्रल होता, ये भी गलत है। हार्ट डार्सल होगा, सही है। पोस्टनल टेल एब्सेंट है, सही है। तो बी डी ई, तो बी डी ई किसमें दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है। ठीक है बच्चों, ये पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न के सवाल गलत होने की चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं जब हमको सारे स्टेटमेंट क्या हो, क्लियर हो। फिर आता है पैटर्न 5। ये इस बार एग्जामिनर इस मैचिंग टाइप पैटर्न है, और इस बार 100 में से 31 क्वेश्चन, 100 में से 31 क्वेश्चन काफी ज्यादा आ गए, इतने नहीं आने चाहिए। और ये सबसे आसान पैटर्न होता है, कोई दो अगर आप मैच कर ले गए तो कैंसर सही हो जाता है। फिर भी क्या करना होता, देखो जैसे यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस ये किसकी है, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ए का थर्ड होगा। फिर सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल का क्या होता है, कार्ट व्हील ऑर्गेनाइजेशन। मिला लीजिए ए का थर्ड, बी का सेकंड, पहला ही स्टेटमेंट क्या होगा। तो क्या अगर दो मिला ले जाओगे तो भी लगभग लगभग से हो जाएगा। इस बार इस पैटर्न के 31 क्वेश्चन आए। तो फिफ्थ पैटर्न कौन सा है बेटा, मैचिंग टाइप पैटर्न है। सबसे खतरनाक पैटर्न ये है, एसर्शन एंड रीजन टाइप। एसर्शन एंड रीजन टाइप पैटर्न में क्वेश्चन के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पैटर्न 6, एसर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, एक एसर्शन दिया रहता है, एक रीजन दिया रहता है, और फिर फोर ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे यहाँ एसर्शन दिया है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाई डॉक्टर फॉर हेल्दी बेबी, एसर्शन सही है। तो रीजन क्या है, रीजन है कोलोस्ट्रम में क्या पाई जाती है, सेवरल एंटीबॉडी जो नेसेसरी होती हैं बच्चे के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंट डेवलप करती हैं। इसका मतलब इस एसर्शन का ये क्या है, रीजन है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, और अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो आंसर 4 होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस टाइप के इस बार केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, इस बार केवल 3 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन औसत 10 to 15 क्वेश्चन का रहता है इस पैटर्न के सवाल। टोटल क्वेश्चन में से सबसे टफ पैटर्न यही है, इसके क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा होती है, खासकर एक्सप्लेन करेगा या एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो उसका तरीका यह है कि क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का एसर्शन पढ़िए, और एसर्शन पढ़ने के बाद थोड़ी देर सोचिए कि इस एसर्शन का क्या रीजन होगा। अगर वही रीजन आपको लिखा मिल जाए तो आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और अगर वही रीजन लिखा ना मिले तो एक्सप्लेन ना करिएगा। तो ये 6 पैटर्न है, और 7th नया पैटर्न अभी आया है, काफी दिनों से नहीं आ रहा था, एनसीईआरटी बुक के फिगर बेस्ड क्वेश्चन। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो आ नहीं रहे थे इधर काफी दिनों से, लेकिन इस बार 4 to 5 क्वेश्चन, शायद हाँ 5 क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आना शुरू हुए हैं। इसमें क्या करते हैं कि कोई एनसीईआरटी का फिगर दे देते हैं और लेबलिंग चेंज कर देते हैं, यहाँ ए बी सी और डी, और पूछा है इसमें से कौन सा पार्ट है जहां से क्या निकलती है, रूट निकलती है। तो इसमें रेडिकल से रूट निकलती है, और रेडिकल को कौन इंडिकेट कर रहा है, सी, तो सी कहाँ दिया है, सेकंड में। तो एक तरीका तो ये है डायग्राम का कि ए बी सी डी कर देगा और किसी पार्ट का नाम पूछ लेगा। लेकिन दूसरा देखो, एक डायग्राम का ये भी एक क्वेश्चन आया है, फिगर का एक क्वेश्चन ये आया है कि आपके सामने डायग्राम दिया है,
और इसके बारे में पूछ लिया है, ABCD यहाँ नहीं किया है, तो इसके बारे में जब पूछेगा तो आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। तो देखो इस डायग्राम को देख के जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो ट्वेल्थ वाली एनसीईआरटी में, ट्वेल्थ वाली एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में जो पॉलिनेशन हेडिंग है उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। और किसमें बना हुआ है, तो ये बना इस वाले में है, विंड पॉलिनेशन में। तो विंड पॉलिनेटेड प्लांट इनफ्लोरिसेंस शोइंग फ्लावर विद द वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। तो जो डायग्राम वाले सवाल है वो दो तरीके से पूछा है इस बार, एक में ABCD करके पूछा है और एक में क्या किया, केवल डायग्राम को पहचान के उसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है बेटा, तो अगर अब हम कैलकुलेट करें मोटा मोटा तो कितने पैटर्न हो गए, कुल 7 पैटर्न हो गए। कौन कौन से? एक तो सबसे सिंपल वाला सिंगल लाइन क्वेश्चन होता है, इससे आसान कोई पैटर्न नहीं होता है। दूसरा होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग स्टेटमेंट टाइप होते हैं, ये थोड़ा सा कठिन होता है। तीसरा उससे बेहतर है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। और होता क्या है, इन क्वेश्चन में टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो एग्जामिनर का एक टारगेट ये भी रहता है कि आपका टाइम खराब हो। अगला जो पैटर्न है मल्टीपल, यही सबसे लंबे क्वेश्चन होते हैं, इसमें काफी टाइम लगता है और इसमें क्वेश्चन के गलत होने की संभावना भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे इसमें नॉन कार्डेट के बारे में कहा है, तो नॉन कार्डेट में क्या है, देखिए गिल स्लिट परफोरेटेड नहीं होती है, नोटोकार्ड एब्सेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका वेंट्रल होता है जबकि कार्डेट का डार्सल होता है। तो ये कार्डेट के बारे में लिखा है, ये सही है, ये सही है, तो बी सही है, डी सही है, ई सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न है। एक पैटर्न क्या है, मैचिंग वाला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता है, अगर दो मैच कर ले गए तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और एक पैटर्न है एसर्शन रीजन, ये सबसे टफ पैटर्न होता है, इसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें हमेशा डाउट बना रहता है। तो एसर्शन पढ़िए फिर थोड़ी देर सोचिए कि उस एसर्शन का रीजन क्या होगा, अगर वही रीजन लिखा है तो एक्सप्लेन कर रहा है और नहीं लिखा है तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और सभी लेटेस्ट में नया पैटर्न शुरू हो गया है फिगर बेस, पहले नीट 2013 में तो क्वेश्चन इसके आए थे लेकिन बीच में बंद हो गए थे, अभी फिर से दिया है और इस बार 5 क्वेश्चन इस पैटर्न के आए हैं। या तो ABCD कर देगा, नेमिंग मिटा करके वहां पर ABCD लिख देगा, और या फिर कोई ना कोई डायग्राम दे करके आपसे पहचानवा लेगा कि ये वास्तव में किसके बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको पैटर्न समझने में काफी हेल्प मिलेगी और ब्रीफ सेशन में कुछ ना कुछ तो आपको आराम हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन की बुकलेट लगाइए उसमें इसी पैटर्न के सवाल लगाइए कि मल्टीपल वाले दिए हैं कि नहीं दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाले दिए कि नहीं दिए हैं, एसर्शन रीजन है कि नहीं है। जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और टेस्ट पेपर में उसी टाइप के सवाल होने चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।